प्रीतिज डायरी। हम सुबह से उठते हैं और रात को जब सोते हैं तब तक में बहुत सारी हमारी ऐसी आदतें होती हैं जिसमें से कुछ ऐसी होती है कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है और कुछ ऐसी भी बुरी आदतें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी है, लेकिन उसका असर हमें बहुत वक्त के बाद पता चलता है। तो ऐसे कुछ 5 आदतें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो हम हमारी डेली लाइफ में बहुत बार करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उस हैबिट का हमारे डेंटल हेल्थ पे बहुत ही गहरा और बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला होता है कि हम ब्रश करते हैं। ब्रशिंग के वक्त बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि बहुत ही ज़ोर से ब्रशिंग करते हैं जिसे हम हार्ड ब्रशिंग बोलते हैं। तो हार्ड ब्रशिंग करने की वजह से हमारे दांत घिस जाते हैं, दांत की साइड में से दांत घिस जाने की वजह से कई बार आपको सेंसिटिविटी की तकलीफ हो सकती है। अगर उधर खाना फंसने की वजह से बाद में सड़न होती है तो उसके वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। तो ब्रशिंग के लिए मेरी ये एडवाइस है कि हार्ड ब्रशिंग ना करें और ब्रशिंग दिन में 2 बार करें, और उसकी भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। ब्रशिंग प्रॉपर टेक्निक से अगर किया जाए तो हार्ड ब्रशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी टेक्निक सही है तो आपकी ब्रशिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। दूसरा ये है कि कई लोग बहुत सारे काम करने के लिए दांत का यूज़ करते हैं। उन लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि दांत का काम सिर्फ चबाने में, बोलने में और अच्छे दिखने में ही होता है, तो अपने दांतों से और कोई काम ना ले। जैसे कि ठंडे पीने की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए, अगर कोई जिप खराब हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए, ऐसे कामों में दांत का यूज ना करें। अगर इस तरह से हम दांत पे ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऊपर का लेयर ही फ्रैक्चर होता है तो हम उस दांत को बचा सकते हैं लेकिन ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है, और अगर दांत अंदर से टूट जाता है तो हो सकता है वो दांत को निकालना पड़े। तो जो फंक्शंस दांत के हैं उसी में उसका यूज करना चाहिए, दूसरे मैकेनिकल फंक्शंस में दांत को यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा ये है कि हम कई बार कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी लेते हैं और कई बार मीठी चीज़ें हमें मुंह में रखने की आदत होती है, तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मीठी चीज़ें, ये सब धीरे धीरे करके हमारे दांत के ऊपर के लेयर को डिस्ट्रॉय करती है और उस हैबिट की इफ़ेक्ट हमारे दांतों पे हमें बहुत ही लंबे वक्त के बाद देखने को मिलती है। और जब तक हम ये बात नोटिस करें तब तक ये बात बहुत ही आगे बढ़ चुकी होती है और हमें डेंटल ट्रीटमेंट करवानी ही पड़ती है। तो अगर हमें कोई स्वीट चीज़ खानी है, कोई मीठी चीज़ खानी है, तो खाने के बाद तुरंत ही कुल्ले कर देने चाहिए, या फिर कोई भी मीठी चीज़ हमें डिनर या लंच करने के वक्त खा लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा मुंह खाने के बाद क्लीन हो जाए और वो मीठी चीज़ हमारे दांत के ऊपर चिपकी हुई ना रहे। और कार्बोनेटेड जो भी ठंडे पीने आते हैं वो हमें कम मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारे दांतों के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारे पूरे शरीर के लिए भी हार्मफुल ही होते हैं, तो उसे हम जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करना चाहिए। हमारी अच्छी हेल्थ बनी रहे उसके लिए हम फ्रूट जूस ले सकते हैं, लेकिन वो भी स्वीट होने की वजह से हमें फ्रूट जूस पीने के बाद कुल्ले करके हमारे मुंह को साफ कर देना चाहिए। फोर्थ हैबिट ये है कि कई लोगों को खाना खाने के बाद टूथपिक लेके दांत में से खाना, जो कोई फंसा हुआ खाना है, वो निकालने की हैबिट होती है। तो दांत की जो ऊपर की सरफेस होती है उसके ऊपर अगर खाना फंस जाए और आप टूथपिक से निकाल लो तो ये आदत अच्छी है, लेकिन दोनों दांतों के बीच में जो मसूड़े की जगह है वहां पर टूथपिक लेके पिकिंग करने से मसूड़ों को हार्म होती है। कई बार ये भी होता है कि हम जो टूथपिक यूज करते हैं वो स्टराइल नहीं होती है, जिसकी वजह से पिकिंग करने से कई बार हम बैक्टीरिया को अपने गम्स में यानी कि मसूड़ों में एंट्री देते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है टूथपिकिंग करने की वजह से। टूथपिकिंग करने की वजह से दांत के मसूड़ों में से खून भी निकल सकता है और बहुत ही लंबे वक्त बाद रिसेशन भी होता है जिसमें मसूड़े नीचे या ऊपर चले जाते हैं और दांत की रूट्स की जो सरफेस होती है वो खुली हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है और कई बार खाना चिपकने की वजह से अगर सड़न हो जाती है तो उसमें दर्द भी हो सकता है। तो टूथपिकिंग करें ये अच्छा है, लेकिन दोनों दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकालने के लिए टूथपिक से ना निकाल के फ्लॉस का यूज करना चाहिए। फ्लॉस एक थ्रेड लाइक मटेरियल है जो हम दो दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, और फ्लॉस यूज करने की भी प्रॉपर टेक्निक होती है। टेक्निक के हिसाब से फ्लॉस यूज करने से इफेक्टिवली आप फ्लॉसिंग कर सकते हो। और फिफ्थ बैड हैबिट ये है कि अवॉइडिंग डेंटल ट्रीटमेंट्स।
अवॉइडिंग डेंटल विजिट्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन बहुत लोग डेंटल ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, शरीर की अच्छी हेल्थ की शुरुआत हमारे मुंह से ही शुरू होती है। अगर हमारे दांत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो हमारे पूरे शरीर की हेल्थ भी अच्छी बनी रह सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।